एक ना एक खबर, ना मिर्च ना मसाला, सीधा खबर से हवाला, और दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर। यहाँ पर आज गाजीपुर में जो किसान आंदोलन चल रहा है, वहाँ पर ये डिस्ट्रिक्ट बिजनौर का कैंप लगा हुआ है। यहाँ पर जो मशहूर इलाके के चौधरी विद्यान सिंह जी हैं, उनके नेतृत्व में यहाँ पर प्रोग्राम चल रहा है, और भी वहाँ उस क्षेत्र के चौधरी किसान नेता आए हुए हैं। अभी उनसे एक एक करके सबसे बातचीत करते हैं। सबसे पहले हमारे चौधरी साहब ढकिया से हैं, तो मैं जानना चाहूँगा कि आप कब आए? हमें 4 दिन हो गए जी आए हुए जी। और आपके विचार से किसान आंदोलन का मामला? ये बिल्कुल गलत है जी, ये तो मतलब ये कानून तो वापस होने चाहिए। किसान आंदोलन चलता रहेगा इतने खत्म ना होने के जी। ये तो इन्होंने तो काले कानून बना के ऐसा कर दिया, किसान तो पट कर दिया, कहते किसान रहे ही ना कहीं जी। हाँ, अब एक अभी और चौथा साहब चाहते हैं, जो भी ये कानून है। क्या नाम आपका? राम कुमार। राम कुमार जी, कहाँ से आप? बसेड़ी। बसेड़ी, बिजनौर। बिजनौर बसेड़ी जी। क्या चाहते हैं आप? ये जो कानून है इनके, ये सब रद्द होने चाहिए। रद्द होने चाहिए। हाँ जी। आपका नाम? महिपाल सिंह नाम मेरा, चांदपुर से। कितनी उम्र है? मेरी 65 साल है। 65 साल की उम्र में आज तक आपने जिस तरह के किसान परेशान हैं, अन्नदाता जिसको भगवान कहा जाता है, इस वक्त परेशान है, क्या वजह है जानकर बताएंगे आप? मैं जिस दिन से यहाँ पर 27 तारीख में आए थे नवंबर को, हम उस दिन से मैं आया हूँ जी, और घर नहीं गया जी। और ये हमें किसी मंत्री बताते हैं कानून में काला क्या है जी। हम किसी मंत्री से पूछना चाहते हैं इस कानून में अच्छा। सफेद क्या है जी जी। हमें यही पता नहीं चलता जी। ये किस्सा किस्सा बात कर रहे हैं वो जी। अरे किसानों से आगे बात करें जब पता चलेगा, वहाँ वो उनसे बात कर रहे हैं जो किसानी को जानता नहीं। किसानी कहाँ क्या चीज होती है, किसानी कहाँ लगती है, कौन से पेड़ पर लगती है, हमसे बताएं वो, हमसे बात कर रहे हैं वो, हम बताएं उनसे। उसके पहले जो किसान कानून के ये बताते हैं, ये तो इन्होंने अभी 1 महीना नहीं हुआ, डेढ़ महीना हुआ है, इसमें जो हमारा ये जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, इसे गन्ने की खेती करता है, इसमें जो है ये प्राइवेट फैक्ट्रियां जो हमारे शुरू के जो हमारा गन्ना तुला था शुरू में, तो इन्होंने 10 रुपए बढ़ाकर पर्ची पर पेमेंट पैसा लिखा था। तो इनका कानून तो वहीं बता दिया इन्होंने अगले ही दिन, वो अपनी मर्जी से कह रहे थे इन्होंने, उन्होंने भी जो अपने खुशी से पैसे दे रहे थे किसानों को, वो 10 रुपए कम करा दिया। और जो सरकारी फैक्ट्रियां हैं, इन्होंने उन फैक्ट्रियों पर जो हमारा 315 जो भी 16 का रेट था, उन्होंने 285 का कर दिया। ये हमें कानून सिखाने, ये सामने जैसे मान लो आगे एक दीवार है, हम कह रहे हैं दीवार है, कह रहे हैं दीवार नहीं है, उस पर टक्कर मारना। थोड़ा ये समझ गए आपके कानून कानून का मामला है। हाँ जी जी। क्या नाम आपका? मोहित सरोही जी। सरोही जी, हाँ जी बताइए, काले कानून के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? वाकई में काले कानून है भाई, हमें तो काले से भी काला लग रहा है बिल्कुल ही। हो तो हाँ, जब लोग वापिस नहीं होने का, हम यहाँ से जाने वाले नहीं है जी। चौधरी लुधियान सिंह जी मौजूद है, क्या ये कानून जो काले कानून है सफेद भी हो सकते हैं? नहीं, अरे ये सफेद तो हो करेंगे, पर इसकी जरूरत क्या पड़ गई? हम तो यो पूछना चाह रहे इनसे भाई, यहाँ अनाज की कमी आ गई, इन्हें रोटी नहीं मिली किसी दिन, क्या दिक्कत है इन्हें जो है कानून बनाने में, कोरोना में सारा देश को बंद कर कोरोना उसमें कानून के चक्कर में लग गए, कारण क्या है? जी चौधरी साहब, ये कानून वापस सरकार को ये चाहिए था कि कभी इस तरह के कानून के बारे में किसानों से छेड़छाड़ करें? नहीं, गलत करा है सरकार ने, लागू नहीं करने चाहिए थे। अगर करने थे तो किसानों की कमेटी बनाते और संसद में लाते इसे। अरे प्रधानमंत्री जी ने जो आज तक हर तरह से जो भी काम किया, अचानक किया, नोटबंदी की तो अचानक की, लॉकडाउन किया तो अचानक किया, काले कानून का मामला है ये भी अचानक हुआ, इसके तानाशाह रवैया है उनका जी, तानाशाही रवैया है उनका। हाँ, किसी की कोई सलाम मशवरा नहीं, सलाम मशवरा नहीं करते न कानून बनाने में या किसी बात में, वो जो उनके मन में आ गया, जो सोच लिया वो सर देश पर लागू कर दिया जी। चौर साहब, इस तरह से किसान आंदोलन में किसान परेशान है, और उस किसान को इस कदर परेशान किया जा रहा है कि उसको आतंकवादी बताया जा रहा है, पाकिस्तानी बताया जा रहा है, ये ऐसा क्या है किसान के अंदर जो इस तरह की यातनाएं दी जा रही है? ये बहुत गलत है जी, किसान का बहुत इसमें गलत किसान के साथ हो रहा है, जबकि नहीं होना चाहिए। ये कानून वापस होना चाहिए, तीनों कानून वापस होने चाहिए, और
ये बहुत गलत है जी। जब तक ये कानून वापस ना होने के किसान का धरना जारी। चंद्रपाल बोल रहा हूँ, जिला बिजनौर के पास में गैलनपुर गांव है। ये तीनों कानून वापस ले अपने, जब ही हम जाएंगे। वो सामने देखिए कहाँ तक फैली हुई ये मशीन है, ये देखिए। इसके बारे में हम जानकारी करेंगे, यहाँ पर शाह जी मौजूद हैं हमारे। शाह जी, ये किस चीज़ की मशीन है, इसके बारे में थोड़ा बताएं कैसे कैसे काम करती है। ये सर, ये रोटी बनाने की मशीन है जी। जी, ये रोटी बनाने की मशीन है सर। जी हाँ जी, ये सर यहाँ इसके अंदर जो आप पीछे आपके है देख रहे हैं, इसमें आटा गूंथता है। हाँ, जूते उतार लो आप। ठीक है जी, इसमें क्या होता है जी? इसमें आटा गूंदने की मशीन है सर। ये खोल के दिखाएंगे जरा। हाँ भाई, खोल के दिखा दियो। इसमें आटा गूंदा जाता है सर। आटा गूंदा जाता है इसके अंदर, और गूंदा जाता है जी, और ये आटा उठा के इसके अंदर पड़ता है। हाँ जी हाँ जी, यहाँ से चलते हुए पेड़ा काटती है मशीन, फिर रोटी वो काटती है। हाँ जी हाँ जी, उसके बाद रोटी बेलती है, जो है उधर जाती है। ये रूला लगा हुआ है, रोटी बेलती है इसमें, उधर से बेलती हुई अंदर पकती है। ये सारे भट्टी लगी हुई है, दो सिलेंडर लगते हैं साथ में। सिलेंडर लगे जी, अंदर भट्टी है, सब भट्टी में अंदर पकती है रोटी। जी जी, ये खोल के दिखाई जरा। ये देखिए सर, ये चैन के ऊपर ऊपर रोटी आती, घूमते घूमते पक जाती है, उधर निकल जाती है पार। जी सर, ये हम आपको ये सामने मशीन दिखा रहे हैं। ये देखिए मशीन, ये किस चीज़ की मशीन है, यहाँ पर आपको हम दिखाने जा रहे हैं। ये देखिए कोई मशीन है यहाँ पर। अब इस मामले में पता करते हैं कि कैसे कैसे मशीन काम करती है। आइए। मेरा नाम सुनील बालियान भारतीय है, जिला शामली से हूँ, गाँव गोसोली है मेरा। आपके मन में क्या है, ये मामला कब तक और नहीं निपटता है तो आप क्या करेंगे? देखिए, जैसे हमारे बड़े कह रहे हैं, हमें लग रहा है कि अक्टूबर तक जाकर निपटेगा। अक्टूबर तक नहीं निपटेगा, 2024 तक नहीं निपटेगा। बैठे हुए हैं यहाँ से। सरकार के बारे में बताइए, और इस सरकार ने आपसे जो अच्छा किया, आइंदा क्या सोचेंगे इस मामले में? देखिए, प्राइम लिंकर ने कहा था, जनता को नेता वैसे मिलता है जैसे जनता खुद होती है। रही बात यार, चलो हमने आपने जनता, अब जनता ने हमने मिले सरकार, जनता का क्या फर्ज है? जनता का फर्ज ये है कि वो वोट देने के बाद विपक्ष में खड़ा हो और सरकार से सवाल करे। आज जो किसान है, इसमें भाजपा वाले भी है, हर दल का आदमी है, हर किसी ने वोट दिया, लेकिन आज अपनी सरकार से सवाल कर रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या आती है कि ठीक है, जो विपक्ष है, विपक्ष का काम है सवाल पूछना, और अपने हिसाब की सरकार चुन ली, अगर उससे भी सवाल ना कर सके तो फिर अपने आप से सवाल करना चाहिए। हमने चुन क्या लिया? भक्तों के लिए बता रहा हूँ ये चीज, जो सवाल नहीं कर सकते, जो आज भी लोग बताते हैं कि मोदी जी ठीक है, मोदी जी ठीक है, इतना किसान जो यहाँ खड़ा हो पागल लेने के बारे में करना तो चलता रहेगा, जब तक ये बिल वापसी नहीं है तो घर वापसी। भैया मेरे तो गिफ्रन है, कहने हटंगो ना, और एक जांच कर लियो, जितनी बेमाता ने लिख गई है इतनी उम्र पूरी होनी है। अब के फागुन आ रहा है, 100,000। हाँ, और देखो जब टाइम आदमी की आठ बन पूरी ना हो, जब टाइम मरे ना है, चाहे टांग कट जाओ, चाहे हाथ कट जाओ, चाहे गोली लग जाओ, वो मरे नहीं है। और गोली उन्हें सह जाए। सुभाष चंद्र बोस के संग तो हम ऐसे गए। हाँ, और ऐसे ही गए तुम्हारो जिन्ना जवाहरलाल और ये सब देखे बटे भये हमारे तो, और देश को बंटवारो भयो में तो सब ही सल है। आजादी के टाइम पे किस आदमी को अच्छा मानते हैं आप, जिसने ज्यादा हित में काम किया है, जैसे किसानों के उसमें आप लोग काम कर रहे हो, सारे किसान एक साथ काम कर रहे हैं। देखियो कौन अच्छा आदमी था उस टाइम पे? वाकई भगत ऊधम सिंह की माँ रो रही,
ऊधम सिंह की माँ, ऊधम सिंह की माँ, हाँ जी। तो के माँ काय कुछ हो रही है के भैया इतने तू बड़ो न हो तो कोई ऊधम तो न करे के ना माँ तेरी बात मानूंगा। तो बिला तुम जाके पढ़े और किताब में डुबका के अपनी वह ले गो जो जो हो छोटी सी गोली बारी किताब में लोके के रिवाल्वर, हाँ। और जैसे यहाँ संसद संसद जो रही वहाँ डायल की वहाँ की छाती में हो ही गोली मारी वहाँ ने ऊधम सिंह ने डायल के, हाँ वो मारो डायल। आप भी मौजूद हो, आप बुजुर्गवार आदमी है, दिमागदार आदमी है, आपका जो माइंड सेट है क्या चाहती है आपके साथ? भैया रेल गेंद कहाँ भगे दैया ने, एक रेल लाए हम तो हिंदुस्तान में फ्री चले रेल और सरकारी बस वो तो हमारी ही सबरी। उम्मीद है लठ के खून पे चढ़ के आइएगे आजादी जो कि हराम को माल मार रो है आज बताऊँ तो मैं बड़ों को सवाल रो है लठ मार लूंगा मैं। हाँ लठ किसके मारोगे? मोदी के मारूंगा, कौन के मारूंगा मैं कह कुछ करूँ। ये आपको चार फुट विचार चल रहा विचार जो है सरकार का गर्मी गर्मी में किसान भूलने देश का तो यो गर्मी गर्मी से तो किसान हटता नहीं कभी जो तो सब किसानों को अच्छे तरह पता और ये खूब कान खोल के सुन ले भाई यो गर्मी में जितना घूम सके गर्मी में क्यों पाल सके तो हे भी अपने नंबर पर गर्मी में बैठा रहेगा कोई ऐसी बात नहीं आते जाते भी रहेंगे। अरे कहावत सुना दो ये तो एक फंस गया ऐसा फंस गया एक बुनकर है किसान का घर आमने सामने थे अब वो उसे कह करता भाई तुम कर दे रहा हो और वो कह बता उसे कर दे रहा हो एक दिन इतफाक था जब लैट्रीन नहीं थी तालाब पर जाना पड़ा था तो सुबह सुबह लैट्रीन होकर तालाब पर जा रहे थे एक ढांग पर बुनकर बैठ गया एक पर बैठ गया किसान अब जो सोच लिया था जो था पहले उठ गया उसे जो कहेंगे तू गंदा है बस बोल रहे पानी उड़ी क्यों अब साहब बुनकर का लड़का चला गया उनने के लिए बाबा ना अरे चौधरी सूद लाया अरे तो देख सूद ले लो दौड़ा बुनकर दे दियो और बुनाई ले लियो मेरा तो ये गंदे फंस गया तो किसान ने सोच लिया चला है दिन हुई बात पर कोई बात नहीं बस थोड़ी देर में किसान वाला चला गया अब जब किसान वाला चला गया तो उनने की ना भैंस नहीं हो रही अगर तो ये पगा चौधरी का तो लिया पिट रहा और भैंस को करा दो नहीं और भैया जब ब्याज है कि जेल कूड़ी में दाम दियो दूहर दियो मेरा तो बच बेच फंस गया है तो वो उठकर भग गया तो सरकार अच्छी तरह सोच लो भारत फंस गया पेट तारीख भारी को निश्चित ना हमारी तारीख तो जो कमेटी तय करेगी अक्टूबर की कर देगी अक्टूबर से फिर किसी जिस सन की हो जाएगी उस सन तक रहेंगे खुद तहसील सारंगपुर फेजपुर मटनपुर ग्राम है और उम्र मेरी आप अपने 100 साल है रही है अंग्रेजी जवानों सदरों भक्तों ने तो मैं हिस्ट्री सब बता कर दूंगा के और मैं भर्ती है गया हूँ तो पहले ड्यूटी लगी मेरी अमृतसर
जंजाम बारो बार तो वहां में हमने देखी तो छत्री को हुआ और गन मशीन लगे गई ऐसे दीवार में गड्ढे गड़े हुए। फिर हम पहुंच गए हैदराबाद जब भाषण भाषण बड़े छाई गए तो हैदराबाद भगत सिंह ने आंसू जेल छोड़ दिए तो अंग्रेज घबराए गए तो उन्होंने बना दिया और ऐलान दे दो।